Hello, what's up, guys? Welcome back to another new video of Poga MC. वीडियो शुरू करने से पहले हमारे प्यारे से गुड लवली कॉर्नर को लवली वाला शॉट आउट होगा गाइस। इस वीडियो का टाइटल अभी बता देता हूं, हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं पूरे के पूरे हर एक केव के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ को। सो गाइस, आज के एम है हमारा कि हमारी जितनी भी जो केव है उसको अनलॉक करना है, ठीक है। अभी मैं हूँ कोल के ऊपर, बट मुझे जाना है अभी नहीं, कोल पे तो हूँ, आयरन पे भी आ गया मैं। अब मुझे पहले तो आयरन मिनियन बनाने के लिए जितना आयरन चाहिए वो मुझे कलेक्ट करना है बेसिकली, और सेकेंडली कि जितनी भी माइंस है, जैसे लैपिस हो गया, आयरन हो गया, फिर लैपिस हो गया, एमरल्ड हो गया, फिर डायमंड हो गया, ये सारी चीज़ें मुझे ट्रैवल करना है। तो भाई देखो, पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपकी जो पिकैक्स है उसके अंदर अगर सिल्क टच नहीं आपका स्मेल्टिंग टच लगा तो प्लीज़ है उसको चेंज ज़रूर कर देना। बिकॉज देख लो यार, ये रही मेरी पिकैक्स जिसके अंदर एफिशिएंसी 3 और स्मेल्टिंग टच लगा हुआ है, बट फिर भी यार वो इतने अच्छे और एफिशिएंट मैनर में काम नहीं कर पा रही है जितनी आयरन की पिकैक्स कर रही है, ठीक है। आई नो कि वो स्मेल्ट करके देती है, बट ये स्मेल्ट करने में और मैं वो जब तक स्मेल्ट करके देखें यहाँ पे मैं उससे ज़्यादा तोड़ लूँगा। इसलिए गाइस, हो सके तो आप लोग आयरन की पिकेक्स या डायमंड की पिकेक्स आप लोगों के पास जो भी है आप लोग वो ट्राई ज़रूर करना। और मैं यहाँ पे तो अभी सिर्फ माइनिंग ही करने वाला हूँ क्योंकि मुझे आयरन का मिनियन बनाना है भाई, ठीक है। और मेरे को पता नहीं है कि आयरन मिनियन की रेसिपी क्या है, तो मैं जितना हो सके आयरन कम्प्लीट कर लेता हूँ और मेरी जो माइनिंग लेवल है उसको भी इंक्रीज़ करना है इसलिए। सो गाइज़, मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत टाइम हो गया और मेरी माइनिंग लेवल अभी 4 की हो गई है। अगर मैं माइनिंग लेवल 7 तक भी चला जाता हूँ ना तो हमारा बाजार अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो ट्री वाला है वो मेरा 4 पे आ चुका है। फार्मिंग मेरा पूरा लेवल 8 या 7 तक जा चुका है, माइनिंग ही मेरा बाकी है, माइनिंग और थोड़ा फोर्जिंग बाकी है। तो फोर्जिंग तो मैं कर दूंगा ऑफलाइन भी रह के, बट माइनिंग में मेरे को थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाता है। तो माइनिंग मेरे को आज शायद हो सके तो वीडियो तक मुझे 5 तक तो जाना ही है, ठीक है। जितना हो सके फायदे तक मेरे को टच करना है, फिर 2 ही लेवल हमारे रह जाते हैं। बट जितना हो सके कि आई होप कि यार आयरन मिनियन तक की हमारी रेसिपी जो है वो अनलॉक हो जाए यार, क्योंकि मुझे लिजिट नहीं पता है यार क्या इसकी रेसिपी होने वाली है क्या नहीं है, ठीक है। और बाजार जब तक खुलता नहीं है तब तक मैं कोई चीज़ को बेच नहीं सकता। तो गाइस, कुछ ही देर के अंदर आपको दोबारा से मिलता हूँ, ठीक है, मुझे बिकॉज माइनिंग के अंदर टाइम ज़रूर लगने वाला है। तो मिलते कुछ देर के अंदर गाइस। सो गाइस, फाइनली जो भी था, मैंने अभी एक चीज़ सोच के रखी है कि क्यों ना अभी इतना टाइम से माइनिंग वगैरह कर रहे हैं तो अपने एक लैपिस वाली माइन में भी जाके आ जाए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ लैपिस माइन में जाते ही सीधा अंदर घुसते ही भाग जाऊँगा मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो जाते हैं यार। सो गाइस, फाइनली मैं लैपिस माइन तक तो आ चुका हूँ और सारे ज़ॉम्बी तैयार ही बैठे हुए हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं भाग गया। हाँ तो गाइस, मैं आ चुका हूँ लैपिस माइन के अंदर और जल्दी लैपिस माइन से भी मैं निकलने वाला हूँ सीधा रेडस्टोन के अंदर, ठीक है। पिगमेंट डैन यहाँ पे आ गया, बट पिगमेंट मेरे को मिल नहीं रहा भाई, कहाँ पे है। और यहाँ गाइस हमारा एक्सप्लोरिंग लेवल भी बढ़ चुका है, एक्सप्लोरिंग लेवल 2 या 3 हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। मेरे को डायरेक्टली भाई, अब मेरे को रेडस्टोन का ढूंढना है, अब रेडस्टोन के अंदर मेरे को जाना है फटाफट से, और आई होप कि मिल जाए भाई, वरना नहीं मिला तो मेरे लग जाने वाला भाई। वो भाई चिकन के ऊपर, शेट मैन, आई होप गाइस शायद यहाँ पे होगा। ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे ही है गाइस, यहाँ पे ही है रेड स्टोन, यहाँ पे ही है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। सही जा रहा हूँ। और गाइस फाइनली मैं पहुँच गया भाई, इतनी हार्ड टाइम के साथ मैं पहुँच गया फाइनली यहाँ पे रेड स्टोन साइड, और यहाँ पे हमें कोई नहीं मारने वाला, पिगमैन हम लोग को मारते नहीं है जब तक हम उनको नहीं मारते, ठीक है। एमरल्ड भी मेरे को यहाँ मुख के सामने ही दिख रहा है, ठीक है, एमरल्ड भी यहाँ पास में ही है तो मैं जा सकता हूँ एमरल्ड में भी फटाफट से, बट थोड़ा रेडस्टोन रेसिपी भी अनलॉक कर लेंगे क्योंकि लैपिस की तो मैंने कर दी है, ठीक है, लैपिस की मैंने अनलॉक कर दी, रेडस्टोन की भी मेरे को करनी है। फिर उसके बाद मैं जा रहा हूँ एमरल्ड में, फिर एमरल्ड के बाद मैं चला जाऊँगा डायमंड के अंदर, क्यों डायमंड एक बार हाथ में आ गया ना गाइस, मैं अच्छे से मैं अपना डायमंड आर्मर बना के फिर मैं आराम से जो भी मेरे को जगह जाना है मैं फाइनली जा पाऊंगा। और भाई मर जा भाई, गाइस इसने हाफ हार्ट पे छोड़ा है भाई मेरे को, लिजिट भाई लोगों का डैमेज कुछ ज्यादा नहीं है। सो गाइस, यहाँ से अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से थोड़ा हम लोग माइन कर देते हैं रेडस्टोन, ठीक है। हाँ, यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत माइनिंग कर लेते हैं, फिर माइनिंग करने के बाद अपने नीचे जाते हैं एमरल्ड वाली जगह पे, ठीक है। सो गाइस, अगर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख रहे हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करें, 40 का आई होप सो आप लोग लाइक जरूर कंप्लीट कर दोगे। और गाइस, ये वीडियो उन बंदों के लिए जिन लोगों को माइन का लोकेशन नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि इस जगह वीडियो के अंदर मैं पूरा एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा हूँ माइंस के, कि आप लोग कहाँ से कहाँ जा सकते हो तो ही आपकी ये माइन मिलेगी।
तो गाइस फाइनली एमरल्ड माइन में भी आ चुके हैं और इसका नाम है स्लाइम हिल। ओके सो गाइस यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, बच बच के मैं निकलने वाला। आते ही मार दिया यार इन लोगों ने, सोचते भी नहीं यार ये लोग जरा सा भी बच्चे को मार दे, छोटे छोटे बच्चे को मार दिया। कोई बात नहीं गाइस, तो यहाँ पे हम लोग हमारा जितना भी आयरन है उसको स्मेल्टिंग में रख देते हैं, ठीक है यहाँ पे भी रख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे स्मेल्ट होता रहेगा और गाइस लास्ट टाइम ट्राई करते हैं वहाँ पे जाने की वापस, ठीक है। यहाँ पे हमारा, मैं कुछ देर के लिए आया हुआ था और हमारी माइनिंग लेवल 5 हो चुकी है, ठीक है। दैट मीन्स गाइस हमारे सिर्फ दो ही लेवल बाकी है माइनिंग के लिए, फिर उसके बाद हमारा माइनिंग लेवल 7 हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं आराम से हमारा बाजार इस्तेमाल कर सकता हूँ कोई भी चीज़ को सेल करने के लिए। बट हाँ, माइनिंग अकेला बाकी नहीं रहता, हमारा फिर फोर्जिंग भी बाकी रहेगा, फोर्जिंग को भी लेवल 7 तक ले जाना पड़ेगा मेरे को, वो भी हम लोग आराम से ले जाएंगे यार। सो गाइज दोबारा से आ चुके हम लोग, हमारे यहाँ पे सामान रख दिया मैंने उसको स्मेल्टिंग होने में। आई थिंक सो थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि स्मेल्टिंग बहुत स्लो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे अपना वो नहीं बन रहा है, क्या बोलते हैं उसको, स्मेल्टिंग है ऐसा कुछ, अच्छा नाम है उसका, वो नहीं मिल रहा है गाइज। यहाँ पे अभी हमारे पास और 2 स्टैक बाकी है और वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 स्टैक हमारा यहाँ पे एज एन आयरन इंगट पड़ा हुआ है, ठीक है। सो गाइज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग एक और बार लास्ट ट्राई मारते हैं कि एमरल्ड वैली में जाके वहाँ से डायमंड में भागने की कोशिश करें, ठीक है। तो लास्ट टाइम ट्राई करते, अगर नहीं हो पाया तो फिर वीडियो को हम लोग यहीं एंड अप कर देंगे। सो गाइज फाइनली हम लोग आ चुके हैं एंड हेलो चाचा आप कैसे हो यार, दोबारा आ चुका हूँ, बहुत बार पता है मैं मर चुका हूँ बट मैं दोबारा आ रहा हूँ, मेरे को डायमंड के जाना है यार, डायमंड है फिर डायमंड के बाद ऑब्सिडियन आता है, ठीक है। डायमंड मेरे को पता है यहाँ से मैं लेफ्ट जाऊँगा, आई थिंक सो लेफ्ट में ही था, लेफ्ट या तो राइट में, मैं एग्जैक्ट मेरे को उसकी लोकेशन नहीं पता है, बट मैं हो सके तो शॉर्टकट्स में जाऊँगा क्योंकि यार शॉर्टकट में जाके ही मैं बचने वाला हूँ, ठीक है। और अभी मेरे को अभी भी पता है कि वो बंदे मेरे पीछे पड़े हुए हैं और अभी मैं ऊपर आ गया हूँ यार, शिट मैन रेडस्टोन में आ गया यार, वापस जाना पड़ेगा मेरे को, वापस जाना पड़ेगा। क्या यार मैं क्या बंदा हूँ भाई, मेरे को लिजिट यार बच बच के जाना पड़ेगा यार, क्योंकि वो बंदे स्लाइम भैया है वो इतने खतरनाक तरीके से मार रहे ना भाई, उनकी स्पीड कुछ ऑन दी नेक्स्ट लेवल है यार, क्या पता भाई कहाँ से डुबकी मार के आ जाते हैं मारने, लिजिट भाई कुछ पता नहीं चलता, उनकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही है भाई, उनकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही ओपी है। आई थिंक सो यहाँ से वो वाले कॉर्नर में मेरे को लग रहा है कि ये वाला कॉर्नर जो है ना, ये वाला, बस ये वाले कॉर्नर के अंदर यहाँ पे शायद डायमंड माइन होने वाली है, वो मुझे लिजिट नहीं पता है कहाँ पे होगी, और मैं भाई कैसे बच के जाऊँ मुझे वही नहीं पता। गाइस फाइनली दिख गई है मेरे को, मैं ये सामने की साइड में, नहीं 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 मेरे को जाने दो यार भाई, यार शिट मैन। गाइस अगर कोई हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करना यार, ठीक है। तो बस गाइस आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं, होप्स आप लोग वीडियो का मजा आगे मजा आए तो प्लीज़ ड्रॉप लाइक शेयर, और गाइस जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो होगा SMC के अंदर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या कोई भी सर्वर के अंदर हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर गाइस, तब तक के लिए सेव टाटा एंड बाय बाय।